हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश गुप्ता एग्जाम ट्रेंड चैनल से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री स्पेशल के पार्ट 36 के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पार्ट होगा दोस्तों? 36वां पार्ट होगा। ठीक है, इसके पहले हम लोग कुल 35 पार्ट कवर कर चुके हैं और जो है ये हम लोग 36वां पार्ट जो है देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग प्राचीन हिस्ट्री पूरी कवर कर चुके हैं और मध्यकालीन स्टार्ट कर चुके हैं, और मध्यकालीन में भी क्या स्टार्ट कर रहे हैं? तुगलक वंश। ठीक है दोस्तों, तुगलक वंश का भी हम लोग 2 पार्ट आ चुका है और यह तीसरा पार्ट है। ठीक है, तुगलक वंश का यह कौन सा पार्ट है? तो तीसरा पार्ट है। जो कोई भी नहीं देखा है तो इसके सारे पार्ट देखे, उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, बीच में से पढ़ोगे तो शायद तब भी फायदा है जो है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, तो इससे कोई वो नहीं है कि ये नहीं पढ़ सकते वो नहीं पढ़ पढ़ तो सारे सकते हो, लेकिन सारे पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आज हम लोग किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं? तुगलक वंश के बारे में। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। आज का हमारा दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी तो किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। कितने? तो 300 नवीन, मतलब नवीन का मतलब क्या होता है? नए। ठीक है, 300 नए नगरों का निर्माण कराया। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। उसके द्वारा बसाए नगरों में फतेहबाद, ठीक है, फतेहबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद प्रमुख थे। ठीक है, इन सब शहरों की, नगरों की रचना कौन किया है, नगरों का निर्माण किसने कराया है? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया है। ठीक है, फरिश्ता के अनुसार, फरिश्ता एक वो है इतिहासकार है, ठीक है, फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने 40 मस्जिदें, कितनी? 40 मस्जिदें, 30 विद्यालय, 20 महल, 100 सराएं, 200 नगर, 100 अस्पताल, 5 मकबरे, 100 सार्वजनिक स्नानागृह और 10 स्तंभ और 150 पुलों का निर्माण कराया था। कौन कहता है ऐसा? फरिश्ता, ठीक है, जो कि एक इतिहासकार रहते हैं। इन्होंने बताया हमें कि फिरोज शाह तुगलक ने जो है 40 मस्जिदों का निर्माण कराया है, उसके साथ साथ 30 विद्यालयों का, 20 महलों का, 100 सराएं, 200 नगर और इसके साथ साथ 100 अस्पताल, 5 मकबरे, 100 सार्वजनिक स्नानागृह, 10 स्तंभ और 150 पुलों का निर्माण करवाया। दोस्तों इसे जो है, इसने बहुत कुछ बनवाया है भारत में और बहुत कुछ काम कराए हैं। ठीक है, आगे जाके हम लोग को सब कुछ मिलते जाएंगे सीरियल वाइज। ठीक है, तो देखते रहिए। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने इकदला का एक नया, इकदला, ठीक है, इकदला का एक नया नाम आजादपुर क्या रखा? इकदला का नाम क्या रखा? आजादपुर, और तथा पंडुआ का नाम जो है फिरोजाबाद रखा था। ठीक है, तो दोस्तों इन्होंने जो है, फिरोज शाह तुगलक ने नवीन नगरों के निर्माण तो कराए थे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ पुराने नगरों के भी जो है निर्माण कराते हैं। ठीक है, पुराने नगरों में जो है कुछ बदलाव लाना, जो है झोपड़ियों की हटा, झोपड़ियों को हटा के महल बनवाना, जो है किला बनवाना, तो यह सब करने से जो है उसका जो है यह होता है कि जो है फिरोज शाह तुगलक ने इसे बनवाया। ठीक है, उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो मलिक गाजी सेना। ठीक है, मलिक गाजी सेना यह जो है उसके राज्य के मुख्य रूप से वास्तुकार रहते हैं। ठीक है, किसके राज्य के? फिरोज शाह तुगलक के। प्रत्येक भवन की योजना को उसके व्यय के अनुमान के साथ दीवान ए विजारत, ठीक है, दीवान ए विजारत के सम्मुख रखा जाता था, तभी उस पर धन स्वीकार किया जाता था। जैसे अभी हम लोग में जो है होता है संविधान में कि भैया कोई भी जो है बिल पास करवाना है तो पहले जो है संसद में भेजो, तभी पास होगा, अगर वहां से पास होगा तभी धन मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरह से जो है इसमें भी, इसके टाइम पीरियड में भी जो है किसी को घर बनवाना है तो उसको भवन की योजना के लिए व्यय का अनुमान जो है दीवान ए विजारत के सम्मुख रखा जाता था, तभी उस पर धन स्वीकार किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दोस्तों कौन था? फिरोज शाह तुगलक।
ठीक है। इसने जो है हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान भी रहता है। कौन? फिरोज शाह तुगलक ही। ठीक है, इसने कौन से कर लिया? सिंचाई कर। ठीक है, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन था? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ही था। ठीक है, इसने जो है भारत में जो है नहरों का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, फिरोज तुगलक ने तुगलक का शासनकाल भारत में बड़े जाल का, ठीक है, भारत में बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। ठीक है, फेमस रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। क्या कराया उसने? जो है सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़ी नहरों का भी निर्माण करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। कौन कौन से? देखेंगे पांचों को। पहला है दोस्तों प्रथम, प्रथम की बात करें, पहला की बात, तो पहला नहर है 150 मील लंबी रहती है। कितना लंबा रहता है? 150 मील लंबा रहता है। ठीक है, 150 मील लंबी थी, जो यमुना नदी का पानी हिसार तक ले जाती थी। कहाँ तक? यमुना नदी का पानी कहाँ तक ले जाती थी? हिसार तक ले जाती थी। ठीक है, हिसार एक जगह का नाम है। ठीक है, और यमुना नदी से यमुना नदी का पानी कहाँ तक ले जाती थी? हिसार तक। और यह नहर कौन सी, कितनी लंबी थी? तो 150 मीटर लंबी थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दूसरे नहर की, तो यह 96 मीटर लंबी थी, जो सतलज से घाघरा नदी तक जाती थी। कहाँ तक? सतलज से घाघरा तक जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी की, तो तीसरी जो रहती है यह सिरमौर की पहाड़ियों, ठीक है, सिरमौर की पहाड़ियों से निकल कर हांसी तक जाती थी। कहाँ तक? हांसी तक जाती थी। ठीक है, चौथे नंबर की बात करें तो जो चौथे नंबर की थी यह घाघरा से फिरोजाबाद जाती थी। कहाँ जाती थी? घाघरा से फिरोजाबाद। ठीक है, और पांचवी की बात करें तो यह जो है यमुना नदी से फिरोजाबाद तक जाती थी। कहाँ तक? यमुना नदी से फिरोजाबाद तक। ठीक है, यह पांच जो है नहरें इसकी मुख्य थी। ठीक है, और इसने जो है इन पांचों नहरों का निर्माण कराया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज तुगलक ने सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए 150 कुएं भी बनवाए थे। क्या बनवाए थे? 150, 150 कुएं बनवाए थे सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए, कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है कहीं से, तो रास्ते में प्यास लगी तो पानी कहाँ पिएगा? कुएं से निकाल के। तो इसके लिए कितना कुआं बनवाया था? 150 कुएं खुदवाए थे फरिश्ता के अनुसार। ठीक है, फरिश्ता एक इतिहासकार रहते हैं, और इनके अनुसार फिरोज ने सिंचाई की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर 50 बांधों और 30 झीलों, ठीक है, अथवा जल संग्रह करने के लिए तालाबों का निर्माण करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के बाद हक ए सर्ब, ठीक है, हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। ठीक है, कौन सा जो है कर लेता था? तो सिंचाई कर लेता था, जिसका नाम क्या था? हक ए सर्ब। हक ए सर्ब से स्वीकृति लिया और उसके बाद सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था यह। ठीक है, उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। ठीक है, कितना? अपनी पैदावार का 1/10 भाग, ठीक है, सरकार को देना पड़ता था। कौन से किसान? तो जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे उनके लिए। ठीक है, उनको क्या करना था? अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक जो रहता है, यह जो है दिल्ली का जो है अशोक स्तंभ को जो है दिल्ली लेके आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाँ तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपके सामने, टोपरा, ठीक है, टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? ठीक है, अभी यही क्वेश्चन हम लोग पीछे पढ़े हैं। ठीक है, तो कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, एक नहीं दो दो स्तंभ लेख लेके आता है। ठीक है, टोपरा तथा मेरठ से, ठीक है, एक टोपरा से और एक मेरठ से दो अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक लाया था। फिरोज शाह तुगलक की विशिष्टता यह थी कि उसने अपनी पूर्ववर्ती राजाओं और कुलीन पुरुषों,
ठीक है, पूर्ववर्ती राजाओं और कुलीन पुरुषों के भवनों की मरम्मत कराने एवं उन्हें पुनः निर्मित कराने पर बहुत ध्यान दिया। ठीक है, मतलब जो भी जो पुराने लोग जैसे अशोक हो गया और उससे भी पुराने जो भी राजा थे जो राज्य करके चले गए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, जिनका शासन खत्म हो गया था, वो लोग जिस किसी का चीज़ का भी निर्माण करवाए थे, उनकी जो है अगर गिर रहे हैं, वो जो है पुराने होके गिर रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, तो जो है उसको जो है उसका मरम्मत करवाता था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। क्यों करवाता था? क्योंकि वो मानता था कि यह हमसे पहले से आए हैं और इन्होंने यह बनाया है, ठीक है, तो मुझे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो उसको जो है उसका निर्मित कराने के लिए उसको बहुत ध्यान देता था। ठीक है, उसने अपने निर्माण से भी अधिक महत्व उन भवनों को पुनः स्थापित करने में दिया जो गिर रहे थे, जो इससे पहले बने थे, ठीक है, स्थापित करने में दिया। उसके द्वारा अशोक के दो स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा, ठीक है, जो कि अब अंबाला जिले में है, कहाँ पे इस टाइम? अंबाला जिले में, ठीक है, मेरठ और टोपरा से दिल्ली लाया गया। कहाँ लाया गया? दिल्ली लाया गया। टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद, ठीक है, फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कर दिया गया, ठीक है, कराया गया। और मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बाड़ा हिंदू राव, ठीक है, बाड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले कसके शिकार या फिर आखेट स्थान के पास पुनः स्थापित किया गया है। ठीक है, मेरठ वाले स्तंभ को। और टोपरा वाले को कहाँ स्थापित किया गया है? तो फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट, ठीक है, पुनः स्थापित कराया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो दोस्तों जो है फिरोज शाह तुगलक जो रहता है, इसने ही सर्वप्रथम जो है ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया गया है। किस पे? ब्राह्मणों पे भी जजिया लगाया गया है। ठीक है, उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए, ठीक है, इसके पहले यह दोस्तों उल्लिखित जो है लिखा हुआ है, ठीक है, बहुत से किताबों में लिखा हुआ है कि जो है फिरोज शाह तुगलक से पहले ब्राह्मणों से जजिया नहीं लिया जाता था, लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक आता है तो यह ब्राह्मणों से भी जजिया लेता है। ठीक है, तो ब्राह्मण इसके पहले जो है मुक्त रहते हैं, लेकिन इसके बाद इसके टाइम पीरियड में क्या होता है, इनसे भी जजिया लिया जाता है। ठीक है, ऐसा लिखा है। फिरोज के इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों, ठीक है, कौन? दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल की। ठीक है, गांधी जी बन गए थे एक तरह से, जितने भी दिल्ली के ब्राह्मण थे सारे के सारे गांधी जी बन गए, भैया ऐसा हम भूख हड़ताल करेंगे। ठीक है, भूख हड़ताल की थी और अंत में दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया। ठीक है, जो है उसके भूख हड़ताल तो रहते हैं लेकिन जो है कोई फायदा नहीं मिलता है। ठीक है, तो लास्ट में क्या होता है, जो दिल्ली के बाकी के हिंदू रहते हैं, उन्होंने हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया। ठीक है, जो है तो जितने भी हिंदू लोग रहते हैं वो लोग कहते हैं ऐसा है जो है गुरुजी पंडित जी आप परेशान मत होइए, आपके हिस्से का भी कर हम भर देंगे। ठीक है, तो ऐसा हिंदुत्व रहता है उस टाइम में। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? ठीक है, ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगाए थे। क्या लगाए थे? 1200 नए फलों के बाग लगाए तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया। कितने? अलाउद्दीन के द्वारा जो 30 पुराने बाग बनवाए गए थे उनको जो है फिर से लगवाया। उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है हमारा, कौन किया? तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि जो लास्ट टाइम में हम लोग वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है तो कौन सा है, दोस्तों आपके पास चार ऑप्शन भी मैंने दिया था, फॉर्मेल डिहाइड, एडिपिक अम्ल, एथिलीन, यूरिया।
तो बहुत से लोगों ने इसका सही आंसर भी दिया है और बहुत से लोगों ने गलत आंसर दिया है। तो जो है सही आंसर हमारा क्या होगा, एडिपिक अम्ल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। नायलॉन बनाने में कौन सी प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या होता है, एडिपिक अम्ल का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, आज जो है अगला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में इस चीज़ का आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है कि मोमबत्ती का जलना है क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है या फिर भौतिक परिवर्तन है या फिर उपर्युक्त दोनों है या फिर कोई नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है कि मोमबत्ती का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन की भौतिक परिवर्तन या कुछ नहीं या उपर्युक्त दोनों, ठीक है, रासायनिक भौतिक दोनों। तो आपको रिप्लाई करना है और कमेंट बॉक्स में दोस्तों गलत सही कुछ भी रिप्लाई कर सकते हो, आपकी मर्जी, ठीक है। अगर सही करते हो तो भी अच्छा है, गलत करते हो तो भी अच्छा है, बताने के लिए हम हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए मत परेशान होइएगा। आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।